हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम आज पढ़ेंगे कक्षा 12 का बायोलॉजी विषय, कक्षा 12 का बायोलॉजी चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 कम्प्लीटली हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 खत्म हो गया है। चैप्टर 1 के लगभग 4 या 5 वीडियो हैं, आप लोग चारों वीडियो देखिएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना है उसमें आप प्रश्न कीजिएगा, सारे प्रश्नों का समाधान आपका किया जाएगा। आपको जैसा कि हम जब चैप्टर शुरू कर रहे थे तो चैप्टर शुरू करते ही हम आपको बताए थे कि जो यूनिट है, पहला हम लोगों का यूनिट जो है वह है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, और एक जनन में कितने भाग हैं, 4 भाग हैं यानी 4 अध्याय हैं। इस यूनिट में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय कौन सा था हमारा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा कौन था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। चौथा कौन था, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि पहला जीवों में जनन। दूसरा अध्याय कौन सा था हमारा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तीसरा मनुष्य में जनन और चौथा जनन एवं स्वास्थ्य। तो जो पहला चैप्टर था कि जीवों में जनन कैसे होता है, माने किसी भी जीव में, तो किसी भी जीव में जनन किस प्रकार से होता है, तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं। मुख्यतः 2 प्रकार, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक का एक प्रकार और था जो क्या कहते थे हम लोग, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसे कहते थे, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा जो अध्याय है हमारा वह क्या है, बायो का दूसरा अध्याय है रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अध्याय का नाम नहीं लिखा है, अध्याय आप लोग किताब बुक से देख लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये आपका क्या है, सेकेंड अध्याय है। देखिए अब इस सेकेंड अध्याय में हमको पढ़ना है कि पुष्पी पौधे यानी कि जिन पौधों में पुष्प होता है उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। क्योंकि हम जब पहले अध्याय में पढ़े थे तो वहाँ पढ़े थे हम लोग वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वहाँ जो पौधे होते हैं हम बताए थे वहाँ आपको, पौधे का जो कायिक अंग है वह जड़ है, तना है और पत्ती है, और इनके द्वारा किस प्रकार से पौधे बनते हैं सारी चीजें आप लोगों को वहाँ बताई गई थी। लेकिन जिन पौधों में पुष्प होता है वह पौधे लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पौधे का जो लैंगिक भाग है वह क्या है, आपका पुष्प है। तो अगर हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, तो जो पौधे का लैंगिक भाग है, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा, इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि पौधे का, किसी भी पौधे का लैंगिक अंग, पौधे का लैंगिक अंग क्या है, पुष्प है। पौधे का लैंगिक अंग पुष्प है, पौधे का लैंगिक अंग पुष्प है। फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट यानी कि इसी फ्लावर के द्वारा ही पौधे में लैंगिक जनन होगा। तो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि हमको इसमें गैमेट्स का फ्यूजन कराना होगा, 2 गैमेट्स का। तो जाहिर सी बात है इसमें मेल गैमेट्स भी होंगे, फीमेल भी होंगे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले तो यह जान लें कि यह पुष्प होता क्या है। अगर यह पुष्प लैंगिक अंग है पौधे का तो यह पुष्प होता क्या है, तो पुष्प जो है दूसरा पार्ट क्या है, पुष्प पौधे का नहीं तने का कहेंगे, पुष्प तने का ही रूपांतरित पौधे का ही रूपांतरित पुष्प तने का ही रूपांतरित
रूप है, या फिर कई तरीके से कह सकते हैं कि तने का रूपांतरित रूप क्या है, पुष्प है, या फिर कह सकते हैं पुष्प ही तने का रूपांतरित रूप है। कहेंगे कि कैसे, समझ लीजिए कैसे, कि सपोर्ट कीजिए कि यह एक तना है, यह एक तना है, इस तने में ऐसे पाए जाते हैं लोग, क्या है, गांठें ऐसे होती हैं, इन गांठों में ये जो होती हैं गांठें, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं, और इन दो गांठों के बीच की दूरी, इन दो नोड्स के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। अब ये जो नोड और इंटर नोड है, तो नोड से ही, हर नोड से ही पत्तियां निकलती हैं, ये आपको पता होगा। देखिएगा, ये तना है, तने में एक गांठ यहाँ है, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ, यहाँ से पत्ती निकलेगी, यहाँ से पत्ती निकलेगी, तो यहाँ की पत्ती अगर कुछ इस प्रकार की निकलती है, यहाँ की पत्ती जो है कुछ इस प्रकार की निकलती है, और यहाँ की पत्ती अगर कुछ इस प्रकार की निकलती है, ऐसे पत्तियां निकल रही है, ये तना है, और इस तने में जो पत्तियां निकली और इनको क्या किया जाए, दबा दिया जाए, कंडेंस कर दिया जाए, संघनित कर दिया जाए, ऐसे इसको क्या किया जाए, दबाया जाए। दबाएंगे तो ये नीचे आएगा, ऐसे ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये सबसे ऊपर ऐसे जाएगा, इसको कवर कर लेगा, ऐसे नीचे दबाते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट एकदम अंदर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट सबसे बाहर नीचे, सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे बाहर से ऐसे ऐसे ये वाला पार्ट कवर कर लेगा, और ये वाला पार्ट एकदम अंदर चला जाएगा, ये बीच में रहेगा। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग के स्कूल में कॉलेज में देखे होंगे कि कुछ आर्ट दिखाने वाले आते हैं दीपावली उपावली के समय में सजाने के लिए, कि पेपर जो होता है, पेपर को कट करके उसका रोल बनाया जाता है, और उस रोल को क्या क्लियर करते हैं, रोल में कई पेपर लगा देते हैं, और उस रोल को ऐसे काट दिया जाता है, और काट करके रोल को ऐसे खींचा जाता है ऊंचा, और उसको लंबा खींच के फिर उंगली की सहायता से धीरे धीरे दबाते हैं, तो दबाते हैं तो देखते हैं कि उसमें, जब ऐसे दबा देते हैं तो देखते हैं कि गुलाब बन गया, कमल बन गया। तो वो जो बनता है, वो आर्टिस्ट क्या है, इसी जगह से ही सीखे हैं, बायोलॉजिकल ही सीख करके उसको बनाते हैं। तो वही चीज है, जैसे गुलाब बन जाता है, कमल बन जाता है रोल को ऐसे दबाने से, तो यही समझ लीजिए कि जो ये रोल खींचा गया है, ये तना है, और इस तने को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो ये आपका गुलाब पुष्प बन जा रहा है, गुलाब बन जा रहा है, और कमल बन जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पुष्प तने का ही रूपांतरित रूप है, या पुष्प एक रूपांतरित तना है, कुछ भी कह सकते, पुष्प एक रूपांतरित तना है, या पुष्प तने का ही रूपांतरित रूप है। दो चीजें ये स्पष्ट हो गई आपको। अब पुष्प के भाग पढ़ते हैं, ये पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प में सबसे नीचे जो होता है, सबसे नीचे जो तने से लगा हुआ जो उसका डंठल होता है पतला वाला, उसे पेरेंकिल या पेडिसिल बोलते हैं, पेरेंकिल बोलते हैं या पेडिसिल कहते हैं। ठीक, जो फूला हुआ भाग रहता है ऊपर, तने के ऊपर जाएंगे तो ऐसे फूला हुआ भाग रहता है, गुलाब का पुष्प तोड़ लीजिएगा उसमें देखिएगा। हाँ, एक चीज कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा कंफ्यूज मत रहिएगा, नेम है आप लोग, हाँ सारे नेम इंग्लिश में लिखने की, इंग्लिश में लिखने और इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी में लिखेंगे, याद करेंगे तो कंफ्यूज भी रहेंगे और जल्दी याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करिए जल्दी आ जाएगा आप लोगों को। तो ये जो फूला हुआ जो भाग रहता है, वह फूला हुआ भाग कौन सा रहता है, क्या कहते हैं उसे, थैलेमस कहते हैं। अब इसी थैलेमस से ही पुष्प के सारे चीजें लगी रहती हैं, पुष्प के जितने भी अंग हैं इसी थैलेमस से ऐसे लगी रहती हैं, अपनी सब आकर के उसी में ऐसे जुट जाती हैं। तो जुटने में सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है, हरा वाला, सबसे बाहरी हरा लेयर जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेपल कहते हैं, उसे सेपल कहते हैं। ये सेपल क्या है, सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट का मतलब क्या है कि आप ले लीजिएगा कोई भी गेंदे का जो पुष्प ले लीजिए, गेंदा ले लीजिएगा, गेंदा ले लीजिए, चाहे गुड़हल ले लीजिए, बाहरी है तो गुड़हल ले लीजिए, चाहे गुलाब ले लीजिए, तो जो अब तो है नहीं बोल, तो जो पुष्प जो है
तो कुछ में देखेंगे कि इस तरह से ऐसे जो एक खुला हुआ भाग है उसके ऊपर ऐसे हरे हरे छोटे छोटे ऐसे पत्तियां छोटे छोटे पत्तियों के रूप में लगी रहती है, तो उनको अगर तोड़ेंगे आप तो एक खंड खंड के रूप में एक एक पत्ती के रूप में ऐसे सब जुड़ा रहता है, लेकिन तोड़ेंगे तो ऐसे एक एक पत्ती के रूप में निकल जाएगा। तो उस जो एक पत्ती निकलेगा, जो उसमें से एक पत्ती ऐसे निकलेगा, ऐसे जुड़ा रहता है, तो उसमें से जो एक पत्ती ऐसे पत्ती के रूप में निकलेगा तो उसको क्या कहते हैं, सेपल, यानी कि सिंगल यूनिट क्या होता है, सेपल। और उस टोटल को मिला करके अगर कहेंगे हम लोग नाम लेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग कैलिक्स। क्या कहते हैं इसको, सेपल कहते हैं, और इस टोटल को मिलाकर क्या कहेंगे, कैलिक्स। इसका काम क्या है कि जब पुष्प बड स्टेज में रहता है, बड के रूप में रहता है, बड यानी कि जब वह कली के रूप में, बड यानी कली के रूप में रहता है, यानी पूरा खिला नहीं होता है। जैसे गुलाब देखेंगे तो गुलाब का जो फूल होता है, फूल पहले ऐसे क्या होता है, उसे आप लोग कहते हैं कोढ़ी, तो ऐसे कोढ़ी मतलब कि जब ऐसे कोढ़ी आया रहता है, यानी कि ऐसे पुष्प बंद रहता है, तो यही हरा वाला भाग ऊपर से ऐसे ढका रहता है, और जैसे जैसे क्या होता है कि पुष्प बड़ा होता है तो ऐसे मुंह उसका खुलने लगता है, ऊपर से मुंह ऐसे खुलने लगता है धीरे 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 खुल करके यही कैलिक्स नीचे चला जाता है और उसका फ्लावर बाहर आने लगता है। तो इसका काम क्या होता है, सेपल का काम क्या होता है कि जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है, कलिका अवस्था में रहता है, बड स्टेज में रहता है, तो यह पुष्प की रक्षा करता है। जब यह पुष्प कलिका अवस्था में रहता है तो यह पुष्प के अन्य भागों की रक्षा करता है। यह आप लोग लिखते चलिएगा नोट्स में जो बोल रहे हैं, ठीक। तो यह जब सेपल, सेपल क्या है, हरा वाला भाग है, थैलमस से लगा हुआ हरा वाला भाग है, एक को सेपल कहते हैं सिंगल यूनिट को, और टोटल को मिला करके कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स का काम क्या है, जब पुष्प बड स्टेज में कलिका रूप में रहता है तो यह पुष्प की रक्षा करने का काम करता है। दूसरा जो पार्ट है वह रंगीन वाला पार्ट है, क्या है ये रंगीन वाला पार्ट, देखिए ये जो देख रहे हैं ये रंगीन पार्ट, यानी कि गुड़हल का पुष्प ले लीजिए जो उसमें लाल लाल दिखता है, रंगीन वाला पार्ट, वो रंगीन वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, उसके एक भाग को बोलते हैं पेटल। जैसे ऐसे रहता है ना फूल, तो उसमें एक भाग को कहते हैं पेटल, ठीक है, एक को कहते हैं पेटल, और सबको मिला करके आपस में क्या कहते हैं हम लोग, कोरोला, सबको मिला कर क्या कहते हैं, कोरोला, ठीक है। तो एक सिंगल यूनिट क्या है, पेटल, सबको मिलाकर कोरोला। इसका काम क्या है, कोरोला का काम क्या है, ये क्या करता है, यह जो पॉलिनेटर होते हैं, जो कीड़े होते हैं पॉलिनेटर, यानी कि जो पॉलिनेशन करने का काम करते हैं, परागण करने का काम करते हैं, परागण यानी कि यहाँ से एंथर से परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाने का काम करते हैं, तो उनको आकर्षित करने का काम करता है। कैसे आकर्षित करेगा, भाई कोई भी व्यक्ति हुआ, कीड़ा मकोड़ा हुआ, चाहे कोई भी जीव हुआ, किसी के पास अगर जाता है तो आकर्षित हो करके जाएगा, अगर आकर्षित नहीं होगा तो किसी के पास जाएगा नहीं। तो आकर्षित होने के लिए क्या चाहिए, या तो भाई मनुष्य में क्या है, हम लोग कैसे आकर्षित होते हैं कि पर्सनालिटी बढ़िया हो, तो बढ़िया से पहना होना हो, तो बात वत अच्छा करता हो, तब न जब आकर्षित होते हैं। तो उसी प्रकार से जो पॉलिनेटर होते हैं, यानी कि जो परागकण को एंथर से लेकर के जाते हैं गाइनोसियम तक, वे उनको आकर्षित होने का काम कौन करता है, पेटल आकर्षित करता है, जिसे परागकण को लेकर के ये आते हैं परागकोष से और स्टिग्मा बना करके छोड़ देते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये पेटल का काम, सिंगल यूनिट क्या है, पेटल है, रंगीन भाग का सिंगल यूनिट पेटल है, और संपूर्ण पूरे पूरे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, कोरोला कहते हैं। इसका काम क्या है कि पॉलिनेटर को आकर्षित करना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्या है आपका, इसमें थर्ड आपका जो है ये देख रहे हैं आप लोग, थर्ड क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब दूसरी चीज आप लोग समझ लीजिए कि ये कैलिक्स और कोरोला, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको मिटा दें, बनाना चाहिए बना लीजिएगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, कैलिक्स
और कोरोला ये दोनों जो है ये सिर्फ सहयोगी यंत्र है, ये सिर्फ क्या है सहयोगी अंग है। किसके सहयोगी अंग है? लैंगिक जनन के। पूरा लिख देते हैं, कैलिक्स और कोरोला पुष्प के लैंगिक जनन के सहयोगी अंग है। ठीक, तो ये जो कैलिक्स है और कोरोला जो है, कैलिक्स और कोरोला पुष्प के लैंगिक जनन के सहयोगी अंग है। सहयोगी अंग कहने का मतलब यह है कि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं जनन में, बल्कि किसी ना किसी प्रकार से सहायता करते हैं। सहायता क्यों करते हैं भाई? अगर ये कैलिक्स आपकी रक्षा नहीं करता इस फ्लावर की, तो फ्लावर ही नहीं रहता, तो रक्षा कर रहा है इसलिए सहयोग कर रहा है। तो पेटल जो है, कोरोला जो है, यह अगर आकर्षित नहीं करता पॉलिनेटर को, तो वहां पर पॉलन ग्रेन आते ही नहीं, पॉलन ग्रेन नहीं आते तो फर्टिलाइजेशन नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे फिर आपका रिप्रोडक्शन होगा। इसलिए ये दोनों क्या है सहयोग कर रहे हैं, सिर्फ सहयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पुष्प के लैंगिक जन्म के सहयोगी अंग कहते हैं। अब जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये आपका एंड्रोसियम है, और यहाँ पर क्या है आपका गाइनोसियम है। तो एंड्रोसियम जो है इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, और गाइनोसियम को पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक, देखिए अब इसमें क्या है कि ये जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम प्लूरल यूनिट है, स्टैमेन जो होता है सिंगल यूनिट होता है। सिंगल यूनिट का मतलब कि आप पुष्प में देखे होंगे कि ऐसे पतली पतली ऐसे निकले रहते हैं, पतले पतले जो गुड़हल का ले लीजिए, उसमें पतले पतले ऐसे डंडे निकले, डंडे निकले रहते हैं बीच बीच में, तो वो जो होता है बीच बीच में जो निकला रहता है वही क्या है आपका स्टैमेन है। यानी कि यहाँ पर ये देख लीजिए, यह एक स्टैमेन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका स्टैमेन हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह भी पूरा स्टैमेन है, यह भी स्टैमेन है आपका, यह भी स्टैमेन है आपका, यह भी स्टैमेन है आपका। तो स्टैमेन में कितने भाग होते हैं? ये जो ऊपर का फूला हुआ भाग होता है इसे क्या कहते हैं? एंथर। इसी में पॉलन ग्रेन आपके रहते हैं, यह आपका एंथर है, और ये जो डंडी नुमा भाग है इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिला करके ही, ये एंथर और ये फिलामेंट, ये मिला करके आपका बनता क्या है? स्टैमेन। यानी कि एक जो पार्ट है इसको स्टैमेन कहेंगे, लेकिन अगर सबको मिला लेंगे, जैसे एक दो तीन चार पांच, पांच यहाँ पर पांच स्टैमेन है, तो सारे स्टैमेन को मिला करके क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। यानी इसका प्लूरल यूनिट क्या है? एंड्रोसियम। और एक को क्या बोलते हैं? स्टैमेन। और ये स्टैमेन क्या है? इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि नर जनन अंग है। यानी कि इसमें क्या है? एंथर बनते हैं, एंथर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, बीज बनते हैं, और यह बीज मादा जनन अंग पे जाकर के मादा को फटाई करने का काम करते हैं। दूसरा क्या है आपका? गाइनोसियम। अब गाइनोसियम देख लीजिए, गाइनोसियम में क्या है? इसकी सिंगल यूनिट होती है कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल किसको किसको कहते हैं, किसको मिला करके? ये देख लीजिए, ये ऊपर का जो फूला हुआ भाग है ये क्या है? स्टिग्मा। इसी स्टिग्मा पर यहाँ से एंथर, यहाँ से इस एंथर से जो बीज होते हैं, यह बीज क्या होते हैं? पॉलिनेटर जो होते हैं निकाल कर ले आएंगे, और निकाल कर ले आकर के इसी पर सब गिराते हैं फटाई करने के लिए, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ स्टिग्मा, ये फूला हुआ भाग स्टिग्मा है, ये डंठी नुमा भाग जो निकल रहा है ये डंडल नुमा भाग, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल कहते हैं। ये फूला हुआ जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? ओवरी। अब ओवरी में क्या क्या होता है ये स्ट्रक्चर जब बताएंगे तब पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों को मिला करके बोलते हैं क्या हम लोग? कार्पेल या पिस्टिल। अगर एक ही स्टिग्मा, स्टाइल या ओवरी है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्पेल या पिस्टिल। अगर ये कई, इसमें कई आपके कई कार्पेल पाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे टैक्सोनॉमी में, मोनोकार्पेलरी ओवरी, डाइकार्पेलरी ओवरी, तो मोनोकार्पेलरी डाइकार्पेलरी होता है, तो मोनोकार्पेल या डाइकार्पेल, मोनो है एक है तो हम लोग कार्पेल है मोनोकार्पेल बोल देंगे, लेकिन अगर दो है
तीन है, चार है, तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा पाया गया कहीं, तो वहां पर जो कई कई कॉर्पल को मिला लेंगे, तो कई कॉर्पल को मिला क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। तो ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है, कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है, ये एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम, ये चौथा पॉइंट है, यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा जिसे बोल रहे हैं कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये जनन अंग, मुख्य जनन अंग है। लिख सकते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम पुष्प के मुख्य जनन अंग है, जिसमें से एंड्रोसियम नर जनन अंग है और गाइनोसियम मादा जनन अंग है। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पर पॉइंट के रूप में, कि एंड्रोसियम नर जनन अंग है और गाइनोसियम मादा जनन अंग है। एंड्रोसियम ये क्या है, नर जनन अंग है और गाइनोसियम गाइनोसियम आपका मादा जनन अंग है। और एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, स्टामेल, और गाइनोसियम के सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। कैलिस के सिंगल यूनिट को सेपल कहते हैं, कोरोला के सिंगल यूनिट को पेटल कहते हैं। सारी चीजें समझ में आ गई, एक चीज और इसमें है, बस समझ लीजिएगा हल्का सा, कि जब ये कैलिक्स और कोरोला, ये कैलिक्स और कोरोला जब क्या है कि फ्यूज होते हैं आपस में, फ्यूज होने का मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं, संघनित होते हैं, सब आपस में ऐसे संघनित होकर के ऐसे पूरा गोला बना लेते हैं, कैलिक्स कोरोला दोनों, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, कभी कभी पूछ देता है तो याद रखिएगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरियंथ, पेरियंथ बोलते हैं टोटल स्ट्रक्चर को। और जब कैलिक्स कोरोला दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, कैलिक्स कोरोला दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग पेरियंथ संयुक्त रूप से। और उसके एक पार्ट को जब कैलिक्स कोरोला को आपस में निकालेंगे, तो उसके एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेपल। ठीक, तो ये था आपका कि पुष्प, कि पुष्प के जो लैंगिक अंग है इनके विषय में बता दिया गया, कौन से पुष्प के सहायक लैंगिक जनन में सहायक अंग है, कौन से पुष्प के लैंगिक जनन में आपके मेल अंग है, और इसके बाद आपको एक एक करके बताया जाएगा कुछ के लैंगिक जनन के बारे में। इसके बाद का वीडियो जो होगा वो होगा स्टामेन के रूप में, स्टामेन के विषय में बताया जाएगा कि स्टामेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें एंथर कहाँ पाए जाते हैं, कितने लोग होते हैं, सारी चीजें आपको इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। इसको आप लोग फिगर को बनाइएगा और जितना बात बोले हैं सारी चीजों को पॉइंट के रूप में नोट कीजिएगा वीडियो पास करके, और नेक्स्ट आप लोग वीडियो देखिएगा स्टामेन का। थैंक्स।